हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को अप्लाइड फिजिक्स 2 के यूनिट नंबर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। जो ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं, आप लोग को सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम पूरा पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आप लोग को सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पूरा टॉपिक्स पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स यहां आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम आप लोग को 25 ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, कहता है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर डॉट डॉट कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी सेमी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा कि कब कहाँ होगा। देखिए, पहला ऑप्शन है कि इज मोर देन डेट ऑफ लाइज बिटवीन डेट ऑफ इज लेस देन डेट ऑफ नन ऑफ द एबव, यानी कह रहा है कि रेसिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर का किसके बीच में लाइज करेगा, या ज़्यादा होता है या कम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी जो होता है हमेशा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सेमी कंडक्टर इज फॉर्म बाय, यानी सेमी कंडक्टर बनता है, ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, नन ऑफ द एबव। तो हम लोग जानते हैं कि सेमी कंडक्टर जो बनती है कौन सा बॉन्ड के द्वारा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज, यानी कि कौन सा सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर कौन है, सिलिकॉन। आंसर कौन हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए चौथा पर चलते हैं। चौथा कह रहा है कि इन अ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर में द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज अबाउट, यानी सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा। ये हम आप लोग को नोट्स भी दे चुके हैं। आप लोग यदि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है कि ए सेमीकंडक्टर हैज डॉट डॉट टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या होता है। तो देखिए, यानी कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशियंट जो होता है, ये हम आप लोग को नहीं पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ आप लोग समझ आएंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो होता है आप लोग का, ये हो जाएगा आप लोग का नेगेटिव। ये कैसे होता है ये हम आप लोग को एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि नेगेटिव कैसे होता है। यहाँ आप लोग सिर्फ ऑप्शन समझेंगे क्या होता है, नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, छठा पे चलते हैं। छठा क्या है आपका, कि सेमीकंडक्टर जनरली हैज डॉट डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी सेमीकंडक्टर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 4। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट, यानी कि प्योर जर्मेनियम का रेसिस्टिविटी कितना होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, 60 ओम। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग के सेमेस्टर के एग्ज़ाम के व्यू से और कंपटीशन के एग्ज़ाम के व्यू से भी। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 8 पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, कि द रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट,
अब पूछ रहा है कि प्योर सिलिकॉन का रेसिस्टिविटी कितना होता है। प्योर सिलिकॉन का जो रेसिस्टिविटी जो होता है आपका, वह होता है आपका कितना होता है, 6000 ओम सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आठवां है आपका, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस, कहता है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जब सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। और वही यदि हम किसी कंडक्टर को गर्म करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा कि हीट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आप लोग गोज डाउन, मतलब सेमीकंडक्टर को जब हम गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। दसवां पे चलिए, दसवां देखिए आप लोग क्या कहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स कम्स फ्रॉम, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पहले इसको समझिए हिंदी में क्या कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक आता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन पहले देखते हैं, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, नन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ये थर्ड हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इट्स बिकम्स, हम लोग जानते हैं कि जब भी इम्प्यूरिटी जोड़ते हैं, चाहे इम्प्यूरिटी दो तरह का हम आप लोग को बताए थे, या तो पेंटावैलेंट होगा या आप लोग का क्या होगा, ट्राईवैलेंट। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, जब किसी भी हम प्योर सेमीकंडक्टर में जोड़ेंगे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, तो वह क्या हो जाएगा आपका, वह आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। देखिए यहाँ ऑप्शन फर्स्ट दिया इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक कहने का मतलब क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर ही होता है, या प्योर सेमीकंडक्टर होगा नहीं, पेंटावैलेंट बोल रहा है, यानी कि पांच इम्प्यूरिटी वाले रहेंगे, तो यहाँ आपका पी टाइप हो नहीं सकता है, क्योंकि जब ट्राईवैलेंट जोड़ते हैं तब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, तब पेंटावैलेंट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, 12 कह रहा है कि एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी, जब भी हम पेंटावैलेंट जोड़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसमें चार फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो चार आपका क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या बच जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 क्या हो जाएगा, पहला। 13 नंबर देखिए, ए पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी हैज, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में कितने यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पेंटावैलेंट नाम से ही स्पष्ट है, पेंटा मतलब पाँच, इसे पहले भी हम बता दिए कि इसमें कितना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पांच होता है, तो ऑप्शन आपका क्या कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर है आपका, ई एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए चाहे एन टाइप हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, किसी भी टाइप का यदि आपका सेमीकंडक्टर जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते जाएंगे, आप लोग को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सब आ सकते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को उसमें थर्ड सेमेस्टर में भी जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उसे भी पढ़ना पड़ता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 नंबर कहता है कि ए ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी हैज, अभी आपको बताए थे कि पेंटावैलेंट में पाँच, तो ट्राईवैलेंट में कितना हो जाएगा, थ्री, तो ये ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 16 नंबर
एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी। जब क्या करें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जोड़ते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के साथ तो क्या क्रिएट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग को इसे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जब पेंटावैलेंट जोड़ते हैं तो वहाँ क्या होता है कि पांच इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है। लेकिन ट्राइवेलेंट में तीन इम्प्योरिटी है तो क्या होगा, आपका ट्राइवेलेंट में सिर्फ तीन इम्प्योरिटी ही आपका क्या कर पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा। तो लेकिन एक क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए खाली रह जाएगा, मतलब वहाँ क्या रह जाएगा, होल्स रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, होल्स। चलिए 17 पे चलते हैं। ए होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, यानी कि होल को क्या, यानी कि होल को हम किस तरह से सेमीकंडक्टर में डिफाइन करते हैं। होल को जो हम सेमीकंडक्टर में डिफाइन करते हैं, द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, यानी क्या होता है कि यह इनकम्प्लीट पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स पेयर बॉन्ड का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का सेकेंड। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी, और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। आप लोग ये याद रखेंगे, जब पेंटा आएगा तो डोनर होगा और ट्राई आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। चलिए 18 हो गया, 19 पे चलते हैं। द चार्ज ऑफ अ होल इज, यानी होल का चार्ज इज क्या होगा, जीरो होता है या इक्वल टू डेट ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो होते हैं उसके बराबर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, या इक्वल टू डेट ऑफ द न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए 19 हो गया, 20 पे चलते हैं। 20 कह रहा है एज अ जनरल रूल, यानी सामान्य रूल के अनुसार होल्स आर फाउंड ओनली इन, यानी कि होल्स जो होता है केवल पाया जाता है किसमें, इन मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टेंस मटेरियल। मेटल में पाया जाता है कि केवल सेमीकंडक्टर में, या केवल इंसुलेटर में, या रेजिस्टेंस मटेरियल में। तो आप लोग यहाँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम आप लोग को बताए थे कि केवल और केवल सेमीकंडक्टर में ही क्या होता है, होल्स फाउंड होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड, सेमीकंडक्टर। चलिए 20 हो गया, 21 नंबर चलते हैं।